नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान फ्री स्मार्टफोन योजना के बारे में। आखिर ये योजना क्या है, फ्री स्मार्टफोन आखिर कब से मिलना शुरू होगा, स्मार्टफोन लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है, आखिर ये स्मार्टफोन कहाँ पर जाकर आपको लाना है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। साथ में मित्रों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी सही समय पर मिल सके। मित्रों, राजस्थान सरकार ने बजट 2022-23 में राजस्थान की महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन देने की घोषणा की थी। इस घोषणा के अंतर्गत राजस्थान सरकार ने राजस्थान फ्री स्मार्टफोन योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान की 1,33,00,000 महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत उन महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे जो महिलाएं चिरंजीवी योजना के अंतर्गत सम्मिलित हैं। यानी अगर आपको फ्री वाला राशन मिलता है तो निश्चित रूप से आपको फ्री स्मार्टफोन मिलेगा। साथ में मित्रों, अगर आपने चिरंजीवी योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो भी आपको निश्चित रूप से स्मार्टफोन मिलेगा। अब मित्रों, बात करते हैं आखिर ये स्मार्टफोन कब तक मिलेगा। तो मित्रों, एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो फ्री वाला स्मार्टफोन है वो 2 अक्टूबर से मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि पहले ये स्मार्टफोन इसी वर्ष के अगस्त महीने से मिलना शुरू होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश उस समय ये योजना लागू नहीं हो पाई। अब पूरी संभावना है कि 2 अक्टूबर से जो ये फ्री वाला स्मार्टफोन है ये मिलना शुरू हो जाएगा। अब मित्रों, बात करते हैं कि जो फ्री स्मार्टफोन आप लेना चाहते हो तो उसे लेने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो मित्रों, इसमें जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो एक ही डॉक्यूमेंट है, वो है जन आधार कार्ड। तो मित्रों, आपका जन आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए और वो पूरी तरह से अपडेट होना चाहिए, और जो मोबाइल नंबर दिया गया है महिलाओं के द्वारा वो मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगी और वो ओटीपी आपको बतानी होगी। अगर आपका जन आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो अपने जन आधार कार्ड को अपडेट करवा लें। मित्रों, अब बात करते हैं कि ये जो फ्री वाले स्मार्टफोन है ये आपको कहाँ पर मिलेंगे। अभी तक जो अपडेट आ रही है उसके अनुसार ये जो फ्री वाले स्मार्टफोन है ये पंचायत समिति या फिर ई मित्र के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। तो मित्रों, आप 2 अक्टूबर को ध्यान रखें कि ये योजना लागू होने जा रही है, और जैसे ही इसमें और कोई अपडेट आती है हम आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। मित्रों, मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको समझ में आ चुकी होगी। फिर भी अगर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।